हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूं और आज मैं पहली बार अपने बालों में फ्लेक्सी जेल अप्लाई करने वाली हूं। हिंदी में इसे तीसी कहते हैं और कहा जाता है कि फ्लेक्सीड्स हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये हमारे बालों को स्ट्रांग बनाता है, बालों की ग्रोथ में मदद करता है, बालों को शाइनी बनाता है, मैनेजेबल बनाता है। सो, आज मैं इसे अपने बालों में 6 घंटे रखने वाली हूँ। काइंड ऑफ चैलेंज है ये और देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है। सो, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फ्लैक्सीड जेल जो है वो तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कटोरी से थोड़ा कम लगभग फ्लेक्सीड लिया है और यहाँ पे 2 ग्लास पानी लिया है और इन दोनों को बस हमें उबालना है। और उबालने के बाद जब ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी हो जाए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं और थिन भी नहीं, गैस बंद कर देंगे और उसके बाद इसे ठंडा होने देंगे। ज़्यादा हमें थिक नहीं करना है, अदरवाइज़ ये फिर छानने में इसे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ठंडा हो गया है, इसे अब मैं अच्छे से छान लूँगी और यहाँ पे एक मैं पतले कपड़े की मदद से इसे मैं अच्छे से स्ट्रेन कर रही हूँ। तो मेरा ऑलमोस्ट जो है ये स्ट्रेन हो गया है, ये देख सकते हैं। तो इसे अब मैं अपने बालों पे अच्छे से अप्लाई करूँगी और बालों को सेक्शन वाइज डिवाइड करके इसे मैं पूरे बालों में टिप से लेके बॉटम तक अच्छे से अप्लाई करूँगी। तो गाइस, फ्लेक्सीड्स में क्या होता है कि विटामिन बी पाया जाता है और अदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि ओमेगा 3, मैग्नीशियम एंड अदर विटामिन एंड मिनरल्स, तो जो कि हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं अपने बालों को इस तरीके से अच्छे से मसाज देते हुए इसे मैंने अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट सेक्शन भी अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं। तो ये अप्लाई करने के टाइम पे गाइस बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा था, क्योंकि ये जेल है और ये बिल्कुल भी, इसे एक्चुअली हाथों से पकड़ने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। जो भी हो, इसे मैंने पूरे बालों पे अच्छे से अप्लाई कर लिया और इसे फिर मैं मेरा दूसरा सेक्शन भी हो चुका है और इसे अब मैं 6 घंटे के लिए सूखने के लिए दूंगी। अभी टाइम हो रहा है 12 o'clock, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस, ये 3 घंटे बाद मेरे बाल हाफ सूख चुके हैं और यू कैन सी। अब 6 बजने वाले हैं और मेरे बाल आप देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट सूख चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुके हैं और ड्राई है बिल्कुल अच्छे से। इसे मैं अब वॉश करके आती हूँ। मैंने वॉश कर लिया है अभी बालों को और यू कैन सी दिस इज़ माई फाइनल रिजल्ट। और गाइज, मुझे रिजल्ट जो है सच में बहुत अच्छा लगा। मैंने हल्का सा ब्लो ड्राई किया है क्योंकि बारिश का मौसम है तो बाल सूखना शाम के टाइम पे मुश्किल होता है। यही मैंने स्ट्रेट किया है बालों को स्ट्रेटनिंग की मदद से, बट स्टिल मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं, और जो कि जबकि मेरे बाल सूखने के बाद बहुत ज़्यादा वेवी और फ्रिजी दिखते हैं बिकॉज मुझे बहुत बेबी हेयर्स है, बट यू कैन सी मेरे बेबी हेयर्स जो है बिल्कुल मैनेजेबल दिख रहे हैं। यहाँ पे बालों में शाइन भी है और आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। सो गाइस, ये था आज का वीडियो, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।